भाई इंसान की ना दो नीड्स होती हैं, एक हवा एक पानी। हवा के क्या हालात है इंडिया में वो तो तुम्हें पता ही है। मेरा बहुत बड़ा फ्लेक्स है भाई साहब, मैं देहरादून में रहता हूँ, ऐसे 60-70 AQI, इससे ऊपर नहीं जाता। अब देखो हवा का तो खास ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, ज्यादा एयर प्योरीफायर खरीद लोगे लेकिन घर से बाहर तो निकलोगे ना। लेकिन पानी का डेफिनेटली आप कुछ कर सकते हो, जैसे बॉइल कर लिया, फिल्टर कर सकते हो, प्योरिटी याद है। उसके अलावा मॉडर्न डे ऑप्शन आप RO यूज कर सकते हो। और ऐसे करके मैंने भाई तीन RO मंगाए हैं अलग अलग। मैं अमेजोन पे सर्च कर रहा था और मैं देख रहा था, मैंने कहा चलो भाई कुछ ऐसा कंपैरिजन वगैरह बनाया जाए, कुछ ऐसे डिफरेंसेस देखे जाएं। जो भाई मैं कहाँ से बोलूँ, डब्बे रख दिए सारे भाई साहब, हेलो हेलो। तो यहाँ पे तीन पॉपुलर 20,000 के आसपास के RO मैंने मंगा लिए। एंड यस, दिस वीडियो इज मेड इन कोलैबोरेशन विद अर्बन कंपनी। और मेरे को ये देखना था कि इसमें कितने फीचर्स हैं, कौन सा RO कैसे काम करता है। और सबसे मेजर सवाल जो प्योरीफायर्स में चलता भी है कि भाई मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी है, अभी कितनी प्योरीफिकेशन है, भाई साल बाद दो साल बाद क्या होगा, बहुत सारी चीजें रहती है साइड बाय साइड। मैंने कहा चलो एक से ज्यादा ब्रांड्स के मंगाए जाएंगे तभी ज्यादा चीजें डेप्थ में समझ भी आएंगी। और इस वीडियो को मैं कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि अगर आपको अगले दिन कभी भी अपने लिए वाटर प्योरीफायर खरीदना हो ना तो आप अपनी बाइंग चॉइस इजी कर सको। मतलब बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूं अभी चलूंगा अपार्ट फ्रॉम दीज प्योरीफायर्स। अब थोड़े बेसिक सवालों से उठा लेते हैं। सबसे पहला सवाल आता है भाई मेंटेनेंस कॉस्ट का, वारंटी वगैरह का। वैसे तो नॉर्मली हर एक ब्रांड दो साल की फिल्टर लाइफ आपको प्रॉमिस करता ही करता है, लेकिन रियल लाइफ फिल्टरिंग क्वालिटी, वाटर की क्वांटिटी, हिडन कॉस्ट वगैरह, ये सारी चीजें मुझे ना रिसर्च करते करते पता लगी जब मैं इन तीनों को टेस्ट भी कर रहा था और चीजें भी देख रहा था, तो वो सब भी बताऊंगा आपको। अब सबसे बड़ा सवाल आया था भैया RO होता क्या है। साइंस वाले हो तो RO का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी करती क्या है, पानी को एक अल्ट्रा फाइन मेम्ब्रेन से पुश करती है जिसके पोर्स 0.0001 माइक्रोन्स के होते हैं। तो उससे आपका हैवी मेटल, माइक्रोप्लास्टिक्स, इंडस्ट्रियल कंटेमिनेट्स, पेस्टिसाइड्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस वगैरह रिमूव हो जाते हैं। ये तो हो गया सिंपल भाषा में, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में समझना तो गूगल और AI टूल्स जिंदाबाद। इसके बाद बड़ा सवाल आता है कि भैया फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रखी है। आप देखते हो ना RO, UV, UF होता है, फिर इतने स्टेज की फिल्ट्रेशन है। तो आप देखो फिल्टर्स बताता हूं। सबसे पहले एक तो सेडिमेंट फिल्टर होता है जिसके थ्रू आपकी डस्ट रस्ट वगैरह निकल जाती है। उसके बाद एक कार्बन फिल्टर आता है जो क्लोरीन, केमिकल्स और बैड टेस्ट को रिमूव कर देता है पानी में से। फिर RO का कोर फिल्टर, RO मेम्ब्रेन आती है जिसके थ्रू हैवी मेटल्स, TDS, माइक्रोप्लास्टिक्स, केमिकल्स, ये सबको रोकता है। और RO फिल्ट्रेशन के बाद वाटर प्योरीफायर में मिनरल्स को वापस बैलेंस करने के लिए और टेस्ट सही करने के लिए दो तीन तरीके होते हैं। एक तो मिनरलाइजर के थ्रू होता है जो सबसे सेफ तरीका होता है, और दूसरा टेस्ट एडजस्टर या MTDS, जहां फिल्टर्ड में ना अनट्रीटेड नॉन RO पानी को मिक्स कर देते हैं। जिन लोगों को RO का टेस्ट वो कड़वा सा लगता है ना, ये पानी मजा नहीं आ रहा, तो ये उसको थोड़ा बैलेंस कर देता है कि हाँ नॉर्मल सा लग रहा है पानी। और तीसरे में RO बायपास होता है जिसके अंदर पानी सीधा UV प्लस UF के थ्रू जाता है। अब इसमें मेजरली कंसर्निंग ना सेकंड वाला है, जो TDS एडजस्टर है, जो MTDS मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर अनट्रीटेड नॉन RO वाटर जा रहा है और उसके थ्रू माइक्रोप्लास्टिक और हैवी मेटल्स वगैरह दोबारा आपके पानी के अंदर ऐड हो जाते हैं। अब टेस्ट तो सही हो रहा है लेकिन हेल्थ रिस्क भी तो है। तो देखो अगर आपको अपने पानी की क्वालिटी पे थोड़ा सा भी डाउट है तो टेस्ट एडजस्टर वाला फीचर तो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है। एंड इवन UV UF से भी अगर हम पानी को ट्रीट करते हैं तो उससे ना माइक्रोप्लास्टिक्स एंड हैवी मेटल्स वगैरह नहीं निकल पाते। तो जो मिनरलाइजर वाला प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा बेटर और सबसे ज्यादा सेफ है। और वैसे आजकल का पानी अगर आप देखते हो तो मोस्टली भाई गंदी पाइपलाइन से ही आता है कि अंदर भाई हाई चांसेस है इंप्योरिटीज होने के। और बहुत सारी गवर्नमेंट टेस्ट रिपोर्ट से ये भी पता लगा है कि जो पानी का TDS 300 से नीचे भी है अगर उसके बाद भी उसके अंदर हैवी मेटल और कंटेमिनेंट्स होने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो भाई रिस्क नहीं लेना बिल्कुल भी, मिनरलाइजर वाला फीचर सबसे सही है अगर आप RO खरीदने के बारे में सोच रहे हो। अब जब भी वाटर प्योरीफायर या RO की बात होती है ना तो TDS के बारे में जरूर बात करते हैं कि भाई ये TDS ज्यादा नंबर कम नंबर, नाले का पानी, नदी का पानी, ये इसका कम TDS ज्यादा TDS। थोड़ा सा सिंपल भाषा में सुन लो, TDS के फुल फॉर्म है टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। तो आपके पानी में कितने टाइनी टाइनी ऐसे पार्टिकल्स हैं जो एक सॉलिड्स है जिसके वजह से आपका पानी इंप्योर हो सकता है, जिसमें मिनरल्स भी आते हैं, सॉल्ट्स भी आते हैं, इंप्योरिटीज भी आते हैं, मतलब सब कुछ आ जाता है जो मैं आपको पहले बता ही रहा था। अब अगर आप पानी में शुगर या सॉल्ट मिला दो तो पानी में गायब हो जाता है, लेकिन रहता तो पानी में ना आप देख नहीं पाते ना, तो उसी से TDS लेवल पता भी लगता है। अगर आप कोल्ड ड्रिंक वगैरह का TDS नापोगे तो बहुत हायर साइड आता है। अब TDS से वाटर की प्योरिफिकेशन को मेजर किया जा सकता है, ऐसा बिल्कुल सही भी नहीं है और बिल्कुल गलत भी नहीं है। इससे बस आप ये पता लगा सकते हो कि वाटर कितना क्लीन है या फिर कितना हार्ड है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें होती है, बैक्टीरियाज, वायरसेस, तभी तो वहां पे RO का काम आता है जो सारी इंप्योरिटीज को हटाता है। अब अगर TDS वैल्यूज बताऊं आपको तो 5 to 150 जो परफेक्ट होती है, 150 to 300 इज ओके, 300 प्लस है तो भैया वो हार्ड वाटर है। तो अगर आपको जानना है कि आपके घर में जो टैप वाटर आ रहा है वो कैसा है, कितना हार्ड है, कितने बुरे हालात, तो एक TDS मीटर आता है 150-200-300 रुपए का, वो लगा के चेक कर लेना। तो ये तो देखो बेसिक बातें हो गई जिससे आप अपनी बाइंग चॉइस अच्छी बना पाओगे, बहुत सारी चीजें दिमाग में रख पाओगे। अब तो वैसे ही ChatGPT, Gemini इतना कुछ है, उसमें पूछो और फिर अपनी अच्छी बाइंग चॉइस बनाओ। स्टिल
अब जो तीन वाटर प्योरीफायर मैंने मंगाया थोड़ा उनके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले अर्बन कंपनी का नेटिव M2 जो 17499 का चल रहा है आज की डेट में, एटमबर्ग का इंटेलॉन मंगाया वो भी 17999 का है, और एक्वागार्ड का रिट्स प्रो जो 15999 का है, और इंस्टॉलेशन आजकल हर एक आरओ के साथ फ्री मिल जाती है, इन तीनों के साथ भी फ्री है। सबसे पहले तो भाई साहब डिजाइन से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो एक्वागार्ड, रिट्स प्रो और एटमबर्ग का अगर आप डिजाइन वगैरह देखोगे लगता बढ़िया है, दिखने में बहुत प्यारे हैं दोनों। जैसे एक्वागार्ड में थोड़ा गोल्डन टाइप का टच है और एटमबर्ग इंटेलॉन में बीच में भाई एकदम डिजिटल मीटर वगैरह दे रखा है, लेकिन नेटिव M2 ने मेरा अटेंशन खींच लिया क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक डिस्पेंसर है। एक्वागार्ड और एटमबर्ग के अंदर हमारे को मैनुअल डिस्पेंसिंग मिलती है, यहाँ पे नेटिव M2 में भाई प्रीसेट्स है भाई ग्लास एंड बॉटल वगैरह के, जिसमें अपना भैया ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग होती है, VIP मामला लगता है, और इसमें आप अपनी प्रेफर्ड वाटर क्वांटिटी भी सेट कर सकते हो, और इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी भी है, अगर मान लो लाइट चली गई ऑब्वियसली वाटर प्योरिफिकेशन तो नहीं होगी उस बैटरी पे, बट डिस्पेंसर चलता रहेगा, तो मतलब होता ना रेपुटेशन घटनी नहीं चाहिए। फिर अगर इनकी प्योरिफिकेशन की बात करें तो अलग अलग स्टेजेस हैं, जैसे एक्वागार्ड रेड्स में हमारे को 9 स्टेज प्योरिफिकेशन मिलती है, नेटिव M2 के अंदर 10 स्टेज की प्योरिफिकेशन है, वहीं पे एटमबर्ग इंटेलॉन के अंदर 8 स्टेज की प्योरिफिकेशन हमारे को मिलती है। अब देखो जितने ज्यादा स्टेज की प्योरिफिकेशन ऑब्वियसली उतना ज्यादा प्योर आपको पानी मिलता है, तो यहां पे भी नेटिव M2 एक पॉइंट लेके जाता है, मतलब डिजाइन में भी और प्योरिफिकेशन में भी। अब थोड़े से फीचर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एटमबर्ग इंटेलॉन के अंदर हमारे को दो तरीके के टेस्ट ट्यूनर के मोड्स मिल जाते हैं, एक तो अडैप्टिव वाला है जिसको आप आरओ बाईपास मोड भी कह सकते हो, जिसके अंदर पानी का TDS अगर 300 से कम है आरओ से फिल्टर नहीं होगा, सिर्फ UV UF के थ्रू ही आपको फिल्ट्रेशन मिलेगी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, और ये उतना सेफ भी नहीं है। और दूसरा आरओ प्लस UV मोड भी है जिसके अंदर पानी 100% आरओ से होकर जाता है, जो मेरे हिसाब से ज्यादा सेफ ऑप्शन है। वहीं पे एक्वागार्ड रिट्स प्रो और नेटिव M2 के अंदर कोई भी टेस्ट एडजस्टर नहीं है, आपको बेटर प्योरिफिकेशन मिलेगी, स्टिल नेटिव M2 के पास एक स्टेज एक्स्ट्रा कंपेयर टू एक्वागार्ड, तो वहां पे वो बेटर प्योरिफिकेशन आपको दे गई। और एक चीज जो आरओ खरीदने से पहले आपको हमेशा देखनी चाहिए, PPM लिमिट कितनी है आपके प्योरिफायर की, बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन होता है, बट यहां पे तीन आरओ जो हमने अपनी टेस्टिंग में यूज करे हैं, इनके केस में अगर बताऊं तो नेटिव M2 1500 PPM मेंशन करता है, वहीं पे एटमबर्ग भी 1500 और एक्वागार्ड 1000 PPM। एंड अगर स्टोरेज कैपेसिटी देखते हैं, नेटिव M2 में 8 लीटर का स्टोरेज और एटमबर्ग में भी 8 लीटर ही है, लेकिन एक्वागार्ड यहां पे 6.2 लीटर के टैंक के साथ ही आता है। देखो ये घर में आपके ऑफिस में कितने मेंबर्स है उस पे भी डिपेंड करता है कि आपका वाटर कंजम्पशन कैसा है, बाकी टैंक जितना बड़ा होगा डेफिनेटली उतना बढ़िया। और एक ना मैक्सिमम फ्लो रेट भी होता है कि भाई जैसे आपके आरओ के अंदर पानी जाता है उसमें वाटर प्योरीफाई होता है ना, कंटामिनेटेड वाटर निकल जाता है और फिर आपका प्योरीफाइड वाटर भरता है, तो उसका एक फ्लो रेट होता है जिसमें नेटिव M2 20 लीटर, एटमबर्ग 25 लीटर स्टोर करता है, लेकिन एक्वागार्ड सिर्फ 15 लीटर ही स्टोर कर पाता है, तो अगर आपकी कंजम्पशन ज्यादा है तो फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और एक प्रो टिप मेरी तरफ से, कंटामिनेटेड वाटर को आप यूज कर सकते हो, गमलों में पानी दे दो, और भी बहुत सारे यूज केसेस हैं तो वेस्ट मत करना। और तीनों ही प्योरीफायर के साथ आपको मोबाइल ऐप मिल जाती है, जिसके अंदर आप TDS लेवल, डिवाइस हेल्थ, सर्विस अलर्ट या फिर सर्विस वगैरह बुक करनी हो। लेकिन ये सर्विस वाला फीचर ना एटमबर्ग की ऐप के अंदर मेरे को नहीं मिला, बाकी नेटिव और एक्वागार्ड के अंदर था। वाटर यूसेज भी देख सकते हो, फिल्टर हेल्थ वगैरह होगी या फिर वाटर टैंक कैपेसिटी, जो नेटिव और एटमबर्ग में थी लेकिन एक्वागार्ड में नहीं थी, बट वही बात है जो ऑन द गो चीजें जो आपको फोन पे चेक करनी है अपने प्योरीफायर के बारे में वो आप कर सकते हो। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे भैया, वारंटी और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कॉस्ट। अब खरीद तो लेते हैं आरओ, वारंटी भी हमने देख ली 1 साल 2 साल जो भी ब्रांड्स मेंशन करते हैं, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट का भी तो भाई गेम है। सबसे पहले तो मैं एक्वागार्ड देख रहा था और मैंने कॉस्ट वगैरह ढूंढने की बहुत कोशिश करी, मेरे को कोई मेंटेनेंस कॉस्ट वगैरह नहीं मिल रही थी, साथ में कोई फिल्टर्स कॉस्ट इन्होंने मेंशन नहीं कर रखी, ऊपर से कोई वारंटी रिन्यू करने तक का ऑप्शन नहीं है। फिर आ जाता है एटमबर्ग इंटेलॉन पे, है तो इसके अंदर भी 2 ईयर्स की वारंटी, लेकिन यहाँ पे जो TDS लेवल है वो लेस देन 1500 रहना चाहिए और वाटर कंजम्पशन इन्होंने 12,000 लीटर्स मेंशन कर रखा है, लेकिन एटमबर्ग इंटेलॉन के अंदर इन्होंने पार्ट्स कॉस्ट अपनी मेंशन कर रखी है वेबसाइट के ऊपर, एटलीस्ट ये तो क्लियर है, लेकिन उसके ऊपर सर्विस कॉस्ट, GST वगैरह वो सब तो आपका लगी जाएगा, तो यहाँ पे भी कॉस्ट एक्स्ट्रा है 2 साल के बाद अगर आपको देनी पड़े। लेकिन इसके अंदर मेरे को 2 इश्यूज फील हुए, अगर आप एक्वागार्ड की बात भी करो या एटमबर्ग की बात करते हैं यहाँ पे, कि अगर आपका आरओ में कोई भी पार्ट खराब होता है कितना हैसल है ना, कि भाई आएगा बंदा वो पार्ट चेंज करेगा, उसका सर्विस कॉस्ट होगा, इंस्टॉलेशन होगी, फिर मान लो थोड़े दिन बाद कुछ और साथ प्रॉब्लम होगी, वो फिर लूप चलता रहेगा। और एटमबर्ग वालों ने फिल्टर्स वगैरह की कॉस्टिंग तो दे रखी है, लेकिन मेन मशीन वगैरह में अगर प्रॉब्लम आती है वो भी अनक्लियर है। और ये चीज मैं इतना फोर्सफुली क्यों बोल रहा हूं ना, क्योंकि जब मैं नेटिव M2 की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ने पे आया तो भाई इनका मामला अलग है, इन्होंने कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी, कोई TDS लिमिट नहीं है, कोई वाटर कंजम्पशन लिमिट नहीं है, अनकंडीशनल 2 इयर्स की वारंटी है। और जब वो वारंटी एक्सपायर हो जाएगी आपको 5,000 रुपीज देने हैं, उसके बाद आपके सारे फिल्टर्स चेंज होंगे और आपकी वारंटी भी रिन्यू होगी, यानी कि आपका आरओ बिल्कुल नए जैसा हो गया। लेकिन हाँ, इसके अंदर कोई भी पर पार्ट रिप्लेसमेंट नहीं है, आपको रिन्यू ही कराना पड़ेगा, चाहे आप 2 साल बाद कराओ या चाहे जब मर्जी कराओ। और 5,000 देने के बाद फिल्टर्स ही नहीं, आपकी मशीन हर चीज की वारंटी है, बिल्कुल एकदम नया आरओ वाली बातचीत है। एंड उसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस भी नहीं है कि बीच में कोई प्रॉब्लम आए, कुछ है कि भैया सर्विस चार्ज दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो ये
पता है तीनों वाटर प्योरीफायर्स का पूरा रिव्यू, कंपैरिजन, बाइंग गाइड कुछ भी मान सकते हो आप। एंड अगर इन तीनों के हिसाब से बताऊं जो हमने वीडियो के अंदर रखे, तो मेरे को नेटिव M2 ज्यादा फीचर लोडेड लगा। एक तो वो वाटर डिस्पेंसर मेरे को बहुत बढ़िया लगा ऑटोमेटिक वाला, प्लस लुक्स भी इसकी काफी बढ़िया है एंड वारंटी के केस में भी, एक तो जो अनकंडीशनल है प्लस आप रिन्यू भी करा सकते हो जो कि आपके हाथ में। बाकी नेटिव M2 अगर आपको मंगाना है घर पे तो अर्बन कंपनी की ऐप से भी आप मंगा सकते हो जो कि एक ही दिन में डिलीवरी हो जाती है। हाँ, ये सिटी टू सिटी वेरी कर सकती है। और बाकी आप भी मेरे को बता सकते हो कौन सा RO यूज कर रहे हो, किसका फीडबैक कैसा है, आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। ये जो तीन आरओज मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए, इनके बारे में आपके पास कोई फीडबैक वगैरह हो तीनों ब्रांड से रिलेटेड, प्लीज कमेंट सेक्शन खुला है भर डालो। वीडियो पसंद आए लाइक मारो और शेयर कर दो उनके साथ जो प्योरीफायर ढूंढ रहे लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सा ले। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।